दोस्तों बॉलीवुड में कई तरह की फिल्में बनती हैं, जिसमें से कुछ हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप। कई ऐसे भी फिल्में होती हैं जो शूटिंग शुरू होने के बाद बीच में ही बंद हो जाती है। कुछ फिल्में हैं जिनकी शूटिंग रोक दी गई लेकिन बाद में उन्हें पूरी कर रिलीज किया गया तो सुपर हिट निकली। आइए जानते हैं इन सभी बॉलीवुड फिल्मों के नाम जिनकी शूटिंग पहले तो रोक दी गई लेकिन जब रिलीज की गई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पहली फिल्म है दोस्तों चलती का नाम गाड़ी। यह फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन सत्यम बोस ने किया था और इस फिल्म में मधुबाला, अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार और केन सिंह जैसे अन्य कलाकार भी थे। फिल्म में संगीत सचिन देव बर्मन ने दिया था। इस फिल्म को बीच में ही पैसे के लिए बंद कर दिया गया था। किशोर कुमार जब अपनी आय पर इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना चाहते थे, इससे बचने के लिए उन्होंने दो फिल्में बनाई। एक थी बंगाली में लुको चुरी और दूसरी हिंदी में चलती का नाम गाड़ी। उन्हें भरोसा था कि यह फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी और वह इनकम टैक्स की एक बड़ी धनराशि देने से बच जाएंगे। जिस दिन फिल्में रिलीज हुई उस दिन वह बेसब्री से इंतजार करने लगे कि फिल्म का कैसा रिस्पॉन्स आता है। उन्हें भरोसा था कि दर्शकों को फिल्म बहुत पसंद नहीं आएगी और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले और दर्शकों ने इन्हें काफी पसंद किया। दोनों ही फिल्में सक्सेसफुल रही। दूसरी फिल्म है दोस्तों बॉबी। यह फिल्म 1973 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म राज कपूर ने तब बनाई जब वह एकदम से कंगाल हो गए थे। उनके पास किसी भी हीरो को फीस देने के पैसे तक नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपने ही बेटे ऋषि कपूर को फिल्म में साइन कर लिया, जिसके साथ ही ऋषि कपूर को अपनी पहली फिल्म मिल गई। लेकिन बीच बीच में मुसीबतें आती रही जिसके चलते बीच में इस फिल्म को बंद करना पड़ा। इसे बंद करने का सबसे बड़ा कारण था यह फिल्म उस जमाने की सबसे बोल्ड और वल्गर फिल्म थी। लेकिन जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तो रातों रात राज कपूर की किस्मत बदल गई और उनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तीसरी फिल्म है दोस्तों जंजीर। अमिताभ बच्चन की जंजीर 11 मई 1973 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट फिल्म जंजीर ही था। इसी फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन ने अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म के बाद से ही अमिताभ बच्चन को एक नई पहचान मिली थी और उन्हें टैग मिला था एंग्री यंग मैन का, और यह टैग आज भी अमिताभ बच्चन की पहचान है। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। लेकिन बाद में जब शूटिंग खत्म कर फिल्म को पर्दे पर उतारा गया तो रातों रात जंजीर फिल्म इतिहास के पन्ने में अपना नाम लिखा गई। अगली मूवी है दोस्तों डर। शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला अभिनीत यश चोपड़ा की रोमांटिक थ्रिलर डर फिल्म 1993 को रिलीज हुई थी। यश चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित डर ने फीचर से जुड़े कलाकारों को बहुत सफलता दिलाई। यश चोपड़ा और शाहरुख खान की जोड़ी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें ही फिल्मों की वजह से शाहरुख खान बने किंग ऑफ रोमांस। शाहरुख खान और यश चोपड़ा की दोस्ती फिल्म डर के दौरान ही शुरू हुई। जब शाहरुख खान ने यश चोपड़ा की फिल्म डर साइन की थी तब उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं विलेन का रोल निभाकर उनके करियर का द एंड ना हो जाए। डर फिल्म की स्टोरी डायरेक्टर को बीच में पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। लेकिन जब साल 1993 में यह फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। फिल्म से शाहरुख खान रातों रात मशहूर हो गए। इतना ही नहीं, फिल्म के हीरो सनी देओल से भी ज्यादा लोगों ने शाहरुख खान को पसंद किया। अगली फिल्म है दोस्तों करण अर्जुन। साल 1995 में आई राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और निर्मित सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन के जरिए शाहरुख खान और सलमान खान के रूप में एक साथ बॉलीवुड को दो सुपरस्टार मिले थे। इस फिल्म में सलमान और शाहरुख खान के अलावा राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी, काजोल लीड रोल में नजर आई थी, जबकि अमरेश पुरी, जॉनी लीवर, अर्जुन, जैक गोंड, रंजीत और आसिफ शेख भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए थे। शूटिंग के दौरान करण अर्जुन फिल्म भी डिब्बा बंद हो गई थी। इसकी स्टोरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश होने लगी थी। अगली मूवी है
दोस्तों, बाजीराव मस्तानी यह भारत की ऐतिहासिक रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया था, जिसके मुख्य किरदार में थे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। पहले इस फिल्म के लिए सलमान खान को फाइनल किया गया था, लेकिन बीच में कुछ अनबन हो जाने के कारण सलमान ने इस फिल्म को छोड़ दिया, जिसके चलते संजय लीला भंसाली ने फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी। लेकिन एक दशक के बाद जब रणवीर सिंह को फिल्म के लिए फाइनल किया गया तो रिलीज के साथ ही बाजीराव मस्तानी एक सफल फिल्म साबित हुई। लगभग 145 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 362 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जिसके चलते यह बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी दोस्तों।